असलम, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो मेरा नाम महर जया, मैंने एक ब्लॉग चैनल नया बनाया है महर जया के नाम से ही। तो इस पर मैं आज अपना पहला ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, जिस पर आपने विलेज का मैंने इंट्रोडक्शन किया है, अपने विलेज को दिखाया अपने ब्लॉग्स में। तो ब्लॉग सारा देखें, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट करें। तो अगर आप मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं या अगर आप सब ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जब मैं कोई न्यू ब्लॉग अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता है। सो गाइज, मेरे गांव का नाम 441 सादा माला है, जिसका पुराना नाम सुदूर है। ये पाकिस्तान पहले से बनने का गांव, यहाँ पर सिख रहते थे, तो अभी इसका नाम सादा माला है। ये तहसील समुंदरी और ज़िला फैसलाबाद, हमारा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और तहसील समुंदरी है। तो यहाँ गांव के पास से मोटरवे गुजरती है, जो अभी न्यू मोटरवे बनी है लाहौर टू कराची। अभी मैं ऊपर वाली छत पर आया हूँ तो ताकि आपको ऊपर से कुछ मंजर दिखा सकूँ गाँव का। जो हमारा घर है वो गांव के दरमियान में है, यहाँ पे जो मेरा गांव घर है इसके सामने हमारा जो मेन बाज़ार है दरमियान वाला वो है। गांव में 5 मस्जिद हैं, उसका ये देखें, एक मस्जिद वो है जिसका नाम जामिया मस्जिद गुलजार मदीना है, एक मस्जिद घर के सामने उसका नाम जामिया मस्जिद बहार मदीना है, 3 मस्जिद बैक साइड पर हैं पिछली तरफ हैं। उसके अलावा गाँव में ग्राउंड भी है, स्कूल है बच्चों के, प्राइमरी गर्ल्स एंड बॉयज। थी बारिश अभी ख़त्म होगी, उसके बाद कुछ कुछ मंजर आपको दिखाता हूँ गांव का, कि बारिश के बाद गांव में कैसा मौसम हो जाता है और कैसा है, किस तरह खूबसूरत लगता है। बारिश फिर स्टार्ट हो गई है, तो छोटे बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं बारिश में। हम भी एंजॉय करते थे कभी छोटे, अभी भी करते हैं, अभी भी जब मन करे तो नहाना शुरू हो जाते हैं बारिश में, यही क्योंकि नहाने का मज़ा बारिश में अपना ही होता है। तो ये मेन बाजार है, मेन चौक का जो घर के सामने है बिल्कुल। और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है ज़्यादा, तो ये अभी रात का टाइम है, अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आज इतना बारिश काफ़ी ज़्यादा रहेगी, सारी रात भी ऐसे ही रहेगा मौसम, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई है बारिश। तभी बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तभी इनको कटवाना है साथ।
खत भी कराना है, अभी खत भी ये देखें अभी हो गया कराया, तो अभी खत करवाते हैं, बाल कटवाते हैं साथ ही है। दुकान दोस्त है हमारा, तो क्लास फेलो भी है, दोस्त भी है, अभी जाते हैं उसके पास और बाल कटाई करवाते हैं, साथ खत वगैरह करवाते हैं उससे। ठीक है भाई, भाई कटिंग करानी तो साथ खत भी कराना है। कैसी कटिंग करवानी है? भाई जैसी मर्जी करते हैं, जैसे अच्छे करते हैं। अभी हो जाएगी। तो अभी आपको मस्जिद दिखाता हूँ अपनी, जो घर के सामने है, ये बाहर का सीन है, तो अभी मस्जिद दिखाता हूँ। मस्जिद में एसी भी लगे हुए हैं, सारा निज़ाम है पानी वाटर का, उसके बाद गर्म वाटर का, उसके बाद जो गर्मियों में ठंडा पानी पीना चाहते हैं वो भी, हम कूलर लगा हुआ वो भी पानी का इंतज़ाम है, सारा इंतज़ाम है मस्जिद में, काफ़ी प्यारी है। तभी आपको मस्जिद दिखाता हूँ पूरी, सारी मस्जिद अंदर से बाहर से।
तो भाई ये बाहर कैसा है? बाहर से कुछ इस तरह की नज़र आती है मस्जिद। देख लें आप, यहाँ से दो दरवाजे हैं मस्जिद के, एक दरवाज़ा ये है तो एक दरवाज़ा इस साइड पर है, ये देखें, ये एक दरवाज़ा ये है। तो भी आया था मैं ग्राउंड में, तो आपको ग्राउंड भी दिखा देता हूँ। ये ग्राउंड है, साथ में प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, मिडिल तक स्कूल है बच्चों का, ये बॉयज़ का स्कूल है, साथ में गर्ल्स का है। तो ये साथ छोटे छोटे ग्राउंड से, अभी बारिश है आपको पता हुई है तो ग्राउंड में पानी है। तो ये सामने कमरे हैं, चार कमरे हैं, तो जो बच्चे को ज़्यादातर बच्चे बैठते हैं वहाँ पर ग्राउंड्स में बैठ कर पढ़ते हैं। ये दो छोटे, तीन छोटे ग्राउंड है छोटे छोटे, एक बैक साइड पर दो, ये देख लें, तो एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल सारे मैच वगैरह खेले जाते हैं, कबड्डी का, वॉलीबॉल का भी देख लें। सामने ग्राउंड है, तो अभी ये ग्राउंड अभी कुछ दोस्त वगैरह खेल रहे हैं मैच, क्रिकेट का खेल रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है तो अभी ग्राउंड तो खुश्क नहीं हुआ, इसलिए जितना था खुश का तो उतनी जगह पर बच्चे खेल रहे हैं। एक मस्जिद ये ग्राउंड के पास ही है सामने। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट करें, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जब मैं कोई व्लॉग अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।